ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेड्स, जो सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनको तोड़ने की कोशिश किसान प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। जोर जोर से ट्रैक्टर्स को टक्कर मारकर आप देख सकते हैं जो बीच में सड़क के डिवाइडर बना होता है उसको भी तोड़ने की कोशिश किसान प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। तो एक तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जहां बवाल पर काबू पाया गया है, वहां से किसान प्रदर्शनकारियों को लौटाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जहां से वो चले थे। अब दूसरी तरफ नांगलोई में ये हंगामा इस समय चल रहा है जहां बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेड्स को उखाड़ फेंक रहे हैं वहां जहां बैरिकेडिंग की गई है, इसलिए ताकि किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुसकर अराजकता पैदा ना कर सके। जो रूट डिसाइड किया गया था उसी रूट पर ये प्रदर्शन निकले, लेकिन बैरिकेड्स और बीच के जो बने हुए हैं डिवाइडर सड़क के सीमेंटेड, उनको ट्रैक्टरों की मदद से तोड़ने की कोशिश किसान आंदोलनकारी कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या किसान मोर्चा के नेता, संगठनों की अगुवाई करने वाले नेता केवल ये कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं कि उपद्रवी घुस आए हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त नांगलोई में मौजूद है। हिमांशु, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार ट्रैक्टरों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइडर्स को। सुबह से ही जब यहाँ पर पुलिस बल मौजूद थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद थे, और जब किसानों का पहला जत्था करीब 9:30 बजे पहुंचा तो उस वक्त ही पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की कि जो रूट दिया गया है वो नजफगढ़ का रूट दिया गया है, आप यहाँ से राइट ले सकते हैं। लेकिन वो वहीं पर कुछ किसान तो राइट हो गए, कुछ किसानों में हमने देखा कि आपस में बहस भी हुई, लेकिन कुछ किसान नहीं माने। और ट्रॉला भी लगा हुआ था, जो ट्रॉला एक बड़ा, लेकिन वो ट्रॉला उन्होंने पलट दिया। वो ट्रॉला पलटने के बाद जो तमाम बैरिकेड थे, जो पत्थर के बड़े बड़े सीमेंटेड बैरिकेड रखे गए थे, उसको उन्होंने ट्रैक्टरों से खींच खींच के हटाया। पुलिस बिल्कुल पीछे हट गई, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस एक तरफ है। पुलिस ने उनको रोकने की, समझाने की कोशिश की थी, पुलिस ने बिल्कुल वहां पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया। पुलिस जब लोग नहीं माने वो आगे की तरफ आए, पुलिस एक तरफ हट गई, और उसके बाद वो वहां से तोड़ करके बैरिकेड, सारे बैरिकेड तोड़ करके किसान आगे की तरफ निकले। आगे जब थोड़ी दूर से वो पहुंचे और वहां पर पश्चिम बिहार जब वो पहुंचते हैं, पश्चिम बिहार पे भी कई सारे बैरिकेड लगे हुए थे जो उन्होंने उसको हटाया, और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते रहे। पुलिस इस दौरान उनको बीच बीच में समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन किसान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि किसानों का एक धड़ा जो नांगलोई सुबह पहुंचा था, वो पुलिस की बात मान के जो रूट तय हुआ था, यानी जब टीकरी से निकल के नांगलोई आना था, ये दूरी तकरीबन 17 किलोमीटर की थी, और उसके बाद फिर नांगलोई से फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर के जाना था, तो ये दूरी जो थी, कुछ किसान राइट लेकर के नांगलोई की तरफ चले गए, लेकिन बड़ी संख्या में जो थे किसान वो वहीं पर अटक गए। पुलिस से लगातार बहस होती रही, पुलिस उनको समझाती रही, लेकिन वो नहीं माने, और आप देख सकते किस तरीके से उन्होंने बैरिकेड को हटाया। सारे रस्ते थे उनके पास, पूरी तैयारियां थी, जिसमें रस्ते को जो सीमेंटेड बैरिकेड थे उसको रस्तों से बांधा गया, उसको ढकेला गया। आप देखिए जो पुलिस ने रास्ते रोकने के लिए बड़े ट्राले लगा रखे थे वहां पर, उन ट्रॉलों को भी पलट दिया गया। एकदम से एक भीड़ आई पूरी तरीके से वो, और उसने एक साथ मिलकर के उस ये मंच सुन रहे हैं आपको, बोलिए। शायद हिमांशु तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें इस समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो नांगलोई की तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां किसान प्रदर्शनकारी सुबह से जुटने शुरू हुए थे। पुलिस ने उनको ये जानकारी दी थी कि रूट नजफगढ़ की तरफ से तय किया गया, कुछ लोग मुड़ गए लेकिन कुछ अड़ गए इस बात पर कि नहीं इसी रास्ते से जाएंगे। और अब देखिए जो बैरिकेडिंग की गई थी ट्रैक्टरों के जरिए ढकेल कर उसको तोड़ने की कोशिश, रस्सियों के जरिए उन सीमेंटेड बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश, और भीड़ के सहारे उन सीमेंटेड बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुस जाने की कोशिश इस समय प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। हालांकि योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ये कह रहा है कि जो उपद्रव कर रहे हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, तो फिर ये कौन है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी, ये बड़ा सवाल है। हिमांशु हमारे साथ एक बार फिर से आ गए लाइव,
ये तस्वीरें आपको बता दें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। हिमांशु बताइए, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, पुलिस लगातार समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन एक चीज देखने में आया कि पुलिस ने वहां पर बिल्कुल बल का प्रयोग नहीं किया। पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे नांगलोई पे, और किसानों से जब उनकी बातचीत चल रही थी तो कुछ किसान जो रूट प्रस्तावित था जिसपे जाने की बात थी, जिसमें पुलिस ने कहा था कि वो किसान यूनियनों के साथ इतने दिन लगातार मैराथन मीटिंग हुई थी उसके बाद तय किया गया था जिस रूट को, उस रूट पे जाने की जो बात थी, तो कुछ किसान उस रूट पे मुड़े। लेकिन हमने वहाँ ये भी देखा कि जो किसान अगर अपनी रूट की तरफ मुड़ने की अगर कोई ट्रैक्टर कोशिश कर रहा था, तो दूसरे जो किसान वहाँ पर मौजूद थे वो खुद ही उनका विरोध कर रहे थे और उनको आगे जाने से रोक रहे थे। वो उनको कह रहे थे कि आगे सीधे हमें आउटर रिंग रोड की तरफ बढ़ना है, क्योंकि आप नांगलोई के आगे आते हैं तो फिर पीरागढ़ी का जो रास्ता आता है आउटर रिंग रोड, जिस पे जाने की वो पहली बात कर रहे थे, तो वहां से जब बैरिकेड तोड़ा गया तो एक उम्मीद लगी कि शायद ये आउटर रिंग रोड की तरफ जाकर के वहां से घूम जाएंगे। लेकिन जब बीच में जो बैरिकेड थे, हालांकि वे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सांकेतिक बैरिकेड थे, क्योंकि जब वहां पर पुलिस मौजूद थी और जैसे ही किसान आए वो सारे बैरिकेड हटा दिए गए, पुलिस पीछे हट गई। उसके बाद आंसू गैस के गोले भी वहां पर पश्चिम बिहार में पुलिस ने कुछ वहां पर दागे, रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पीछे हटती रही। उसके बाद जब वो पीरागढ़ी पहुंचते हैं तो एक उम्मीद थी कि शायद पीरागढ़ी से वो आउटर रिंग रोड पे, जैसी बात थी आउटर रिंग रोड से वो शायद मुड़ जाएंगे और वापस आगे जाकर के जो प्रस्तावित रूट है आगे की तरफ जाकर के नजफगढ़ का रास्ता ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रिंग रोड की तरफ आगे आए, पंजाबी बाग वो पहुंचते हैं, और पंजाबी बाग से फिर जब वो आगे आए तो जखीरा फ्लाईओवर के ऊपर भी पुलिस ने लगा रखा था बैरिकेड, जिसे उन्होंने वहां पर भी तोड़ा, और उसके बाद फिर वो और आगे अभी बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं जो किसान नेता है, लेकिन जिस तरीके से आपस में ही एक गतिरोध देखने को मिला, आपस में ही किसी एक बात पे तय होते हुए लोग नहीं नजर आए। या फिर आप कहें, जैसे मैं कई बार ऐसा भी हुआ कि जब एकदम आप आगे थे तो कुछ लोग राइट ले रहे हैं, कुछ लोग लेफ्ट ले रहे हैं, तो एक तरीके से ये हेडलेस भीड़ थी, कोई डिसाइड नहीं था आप आगे किधर बढ़ जा रहे हैं। अचानक से कोई बुला लेता है तो सब लोग एक तरफ चल दे रहे हैं, कैसे ये भीड़ आगे की तरफ बढ़ती चली आ रही है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी इस वक्त नांगलोई में जमा है और वहां से वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली के अंदर घुसने की पूरी कोशिश है। ये देख सकते हैं आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके, ट्रैक्टर के जरिए किस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद अंदर घुसने की तैयारी है। यहां से रूट नहीं था, रूट था नजफगढ़ की तरफ, लेकिन किसान आंदोलनकारी नहीं माने और उन्होंने तय किया कि वो इसी रास्ते जाना चाहते हैं, लिहाजा ट्रैक्टरों के जरिए सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुसे। अब इस रास्ते से आगे हिमांशु किधर जाने की तैयारी है, जहां से अंदर घुसे हैं ये लोग? देखिए, हम कह रहे हैं क्योंकि कोई तय नहीं कर पा रहे, वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब वो पीरागढ़ी पहुंचे, पीरागढ़ी से फिर वो कुछ लोग जब राइट मुड़ने लगे तो कुछ लोग सीधे की ओर गए, तो एक बार फिर से भीड़ सीधे की तरफ आई। उसके बाद जब वो आउटर रिंग रोड से मेन रिंग रोड पे पहुंचते हैं, पंजाबी बाग के पास पहुंचे, तो वहां भी वही देखने को मिला। उसके बाद लेकिन फिर सारी की सारी भीड़ सीधे की तरफ आई और जखीरा फ्लाईओवर के पास पहुंची। जखीरा फ्लाईओवर पे भी पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, पहले उस बैरिकेड को उन्होंने हटाया, उसके बाद जखीरा फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा था, उस बैरिकेड को भी हटाया। उसके बाद सीधे वो अब आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं और उसमें किसी से भी अगर आप बात कर लीजिए, कोई भी इस बात का ना तो जवाब देने के लिए तैयार है कि कहां से आए हैं, किस तरफ जाना है, बस वो एक भीड़ बढ़ती चली आ रही थी, दिल्ली की तरफ बढ़ती चली आ रही थी और पुलिस जगह जगह उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखा। समझाने की कोशिश की गई, बातचीत करने की कोशिश की गई, जो किसान उसमें से जो नेता थे, जो पहले किसान नेता थे जो नांगलोई से ही मुड़ गए थे, उनकी बातें तो वहीं पे उन्हीं के द्वारा नहीं सुनी गई थी। जो ये भीड़ थी वही उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, वही लगातार कुछ जब राइट मुड़ रहे थे तो उनको ही रोकने की कोशिश इस भीड़ के द्वारा की गई, लेकिन कुछ किसान नेता जब राइट मुड़ गए तो बाकी की तरफ आप देख सकते कि ये सीधे
रिंग रोड की तरफ पहुंचते हैं और उसके बाद दसीरा फ्लाईओवर क्रॉस करके ये और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन्हें एक तरफ ले जाया जाए, समझाया जाए। किसान नेताओं की तरफ से जो अपील आ रही है वो इनको बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये अपील की जा रही है, अब आप अपनी तरफ लौट जाइए, आप लौट जाइए। तो एक कोशिश है लगातार पुलिस की कि इनको किसी तरीके से समझा कर वापस की तरफ भेजा जाए कि अब आप वापस लौटे। काफी अंदर आप आ चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ट्रैफिक भी बीच में है, तो ये सारी चीजें बातचीत की जा रही है, पुलिस की कोशिश है। लेकिन अब ये देखना होता है कि इसका क्या असर पड़ता है। इसको पुलिस वापस आते हैं आपके पास, हिमांशु आप रहिएगा हमारे साथ। पुलिस रोकने की कोशिश जरूर कर रही है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी नांगलोई पर मौजूद और वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर वो दिल्ली में घुसे हैं। हालांकि मकसद क्या है, किधर जाना चाहते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत, उन्होंने निशाना साधा है बॉलीवुड के उन कलाकारों पर जो कि समर्थन कर रहे थे किसान आंदोलन का। क्या कह रही है कंगना रनौत, सुनवा देते हैं आपको। खालिस्तान का झंडा लहराया गया है ये इस दिन, जब ये जो दिन है गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हम हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने, जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही है। और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है, ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट कर, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी। तो कंगना रनौत वो सवाल उठा रही हैं उन प्रदर्शनकारियों पर जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, और ट्विटर पर उन्होंने निशाना साधा उन कलाकारों को लेकर जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। और ये देख सकते हैं आप नांगलोई दिल्ली की तस्वीरें, जहां का हाल आपको अभी हम दिखा रहे थे कुछ देर पहले की तस्वीरों में, कैसे किसान प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों के जरिए सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ लोग जो कि लोहे के बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उन्हीं से लोहे की रॉड्स को तोड़कर निकाल ले जा रहे हैं। आखिर क्या करना चाहते हैं इससे, ये बड़ा सवाल है। क्यों ये लोहे की रॉड्स तोड़ी जा रही हैं, हाथ में ली जा रही हैं, उसका क्या इस्तेमाल होने वाला है, ये सवाल भी पूछा जाएगा। और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जब खुफिया एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इस चीज़ का पहले से इल्म था, इसका अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, उसके बावजूद प्रदर्शनकारी इस तरीके की हरकतें करने में कामयाब कैसे हो गए। सवाल यह भी पूछा जाएगा, क्या लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं थी 26 जनवरी के दिन भी? अगर थी तो फिर ये प्रदर्शनकारी लाल किले पर चढ़ने में कामयाब कैसे हुए, वहां तिरंगे के अलावा अपना झंडा फहराने में कामयाब कैसे हुए, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं मानी जाएगी, इस पर भी जवाब मांगा जाएगा। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सामने, एक गाजीपुर की तरफ लौटते हुए कुछ किसानों की है जो अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी किया कि इस हिंसा से आंदोलन कमजोर होगा, और इसके बाद कुछ लोग, कुछ प्रदर्शनकारी वापस लौटने लगे। लेकिन कई जगहों पर उस बयान का, उस संदेश का अभी तक कोई असर नहीं दिख रहा है, खासतौर पर नांगलोई जहाँ हंगामा अब भी जारी है, और साथ ही ITO पर भी अभी तनाव है। फरीदाबाद में आज लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, वहां किसान प्रदर्शनकारी जो बेकाबू हो रहे थे उनको रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके पहले गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां बड़ी तादाद में किसान आज जमा हुए थे। हालांकि हर तरफ केवल यही हुआ ऐसा नहीं है,
कुछ हद तक प्रदर्शन परेड की तरह निकलने में कामयाब रहा, जहां लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत भी किया, लेकिन हावी हो गई वो तस्वीरें जो लाल किले पर दिखी, जो आईटीओ पर दिखी और जो नांगलोई पर इस समय दिखाई दे रही हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों के जरिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ दिया है और दिल्ली के अंदर घुसे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी लेकर आ रहे हैं। अरविंद बताइए, क्या खबर आपके पास आ रही है? जी देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकला था, वहाँ उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की है। और आपको बताऊं, अब इसे किसी भी तरीके से किसान मार्च तो कम से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं। आज तक की टीम पर भी हमला हुआ। आईटीओ के पास पुलिस को पहले खदेड़ा, सुबह के वक्त रोहित में बताऊं, इन प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस वालों पर हमले किए। उसके बाद चूंकि फोर्स कम थी, गणतंत्र दिवस की सुरक्षा में वो फोर्स तैनात थी, उसके बाद जब फोर्स वापस आई है तो खदेड़ने की कोशिश की है। लेकिन ताजा स्थिति यह है कि आईटीओ चौराहे पर अभी भी इन उपद्रवियों का कब्जा है। नंबर एक, लाल किले की अगर बात की जाए तो लाल किले के अंदर अभी भी कुछ उपद्रवी मौजूद है, जिनको हटाने की कवायद चल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर भेजी गई है और ये कोशिश है कि जो लाल किले का गेट है उसे बंद कर दिया जाए। उसके अलावा नांगलोई, सिंघू बॉर्डर, अक्षरधाम का जो मोड़ है, नोएडा मोड़ को, और उसके अलावा कई जगहों पर भयानक उपद्रव हुआ है। महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई है। उसके अलावा पुलिस के पास सिर्फ एक हथियार है, वो है आंसू गैस के गोले छोड़ना, जिसको छोड़ा गया काफी हद तक। लेकिन बात की जाए तो आईटीओ से आगे जो इंडिया गेट की तरफ रास्ता जाता है, वहां तक उपद्रवी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया है, पुलिस ने खदेड़ा है। और फिलहाल की बात की जाए तो आईटीओ जो मेन चौराहा है, वहां से लेकर लाल किले की बात की जाए तो पूरी वो जो सड़क है वहां पर उपद्रवियों का कब्जा है, जमकर उत्पात मचा है। आज सुबह 10 बजे से ही आपको बताऊं कि 37 शर्तों के बाद एनओसी दी थी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन जैसा कि पहले से ही दिल्ली पुलिस ने भी कहा था और इंटेलिजेंस अलर्ट था कि इस तरह की चीजें हो सकती है और वो हुई है। आज 26 जनवरी के दिन वो तमाम चीजें सामने आई है। लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे कि इस तरह का बवाल हो सकता है 26 जनवरी के दिन, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान नेता थे, जो किसानों की तरफ से तो का जो एग्रीमेंट था, वो कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। यानी ऐसा लगता है कि रणनीति के तहत एक तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत चल रही थी कि हम इस शर्त के साथ जो रूट मैप तैयार हुआ था उस रूट मैप पर प्रदर्शन अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गुमराह करते हुए अलग अलग इलाकों से, पहले गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर को जैसे जो बैरिकेड है उसको तोड़ा गया है, गाजीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम की तरफ बढ़े हैं किसान, वहां पर जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें भी हमारे पास है जिसमें कुछ लोग तलवार से पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डे की बात की जाए तो महिला पुलिस कर्मियों पर अटैक हुआ है। उसके अलावा एक किसान प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई है ट्रैक्टर पलटने से। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल की अगर बात की जाए तो आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो आप मेन सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर प्रदर्शनकारी है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं। हालांकि आईटीओ पर अभी शांति है, लेकिन अगर आईटीओ यहां से इंडिया गेट बेहद नजदीक है, लाल किला जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं, जब वहां पर उपद्रवी अगर काबिज हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नंबर एक, नंबर दो, जब ये कंट्रोल होगा तो उन किसान नेताओं से भी पूछा जाएगा कि आपने 37 शर्तों पर सहमति दी थी और वो एनओसी की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है, हमने कल वो तमाम जो एनओसी है वो चलाए थे, तो फिर शर्तों का उल्लंघन कैसे हुआ? अगर आप बात करते हैं बैरिकेटिंग की, तो बैरिकेटिंग सिंघू बॉर्डर से समझ में आता है कि अगर कोई रास्ता भटक गया तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, लेकिन आईटीओ तक कैसे पहुंचे? और अभी भी आईटीओ पर पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी और उपद्रवी इनका पूरी तरह से कब्जा है। लाल किले के अंदर से भी लोगों को हटाया गया है, एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स वहां पर भेजी जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि लाल किले के गेट को बंद करने के फरमान है, जब उपद्रवी यहां से उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन जो सुबह से रोहित मैंने तस्वीरें देखी है, जमकर बवाल, जमकर हिंसा, डीटीसी की बसों को तोड़ा गया और पुलिस के पास एसएम के नाम पर टीयर गैस था, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उससे बहुत कामयाबी नहीं मिली। और आपको बताऊं कि आईटीओ की भी तस्वीरें हैं, क्योंकि मुश्किल ये थी कि
गणतंत्र दिवस है, दिल्ली पुलिस हमेशा से हाई अलर्ट पे रहती है, गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस फोर्स वहां तैनात थी और इसी का मौका पाकर उपद्रवी जब आईटीओ की तरफ पहुंचे हैं तो कई पुलिस वालों को घेरा गया है, उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन तब तक गणतंत्र दिवस समारोह समाप्त हुआ, वहां से फोर्स आई, उसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ा गया क्योंकि तो इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी भी आईटीओ पर भारी संख्या में मौजूद है, अगर मीडिया कर्मी दिख रहे उन पर भी हमले कर रहे हैं। अब फिलहाल गृह मंत्रालय में मीटिंग हो रही है, सीनियर तमाम अफसर है, वो रणनीति बना रहे हैं कि आगे कैसे एक्शन लेना है। लेकिन मैं साफ साफ कह सकता हूँ क्योंकि आईटीओ जहाँ से राजपथ इंडिया गेट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला होगा, लाल किला अगर यहाँ उपद्रवी है तो साफ कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। तो ये किसके ऊपर सवाल है? किसान प्रदर्शनकारी नेताओं पर जिन्होंने वादा किया था कि जो रूट दिल्ली पुलिस तय कर रही है, जो नियम और शर्तें दिल्ली पुलिस दे रही है, हम उनका पालन करेंगे, या फिर उन सुरक्षा एजेंसियों पर जिनके पास पूरा खुफिया इनपुट था? आप खुद बता रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में यह सब हो सकता है, उसके बावजूद ये हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जवाबदेही तो तय होगी। देखिए आप क्रोनोलॉजी की बात होगी, 25 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है दिल्ली पुलिस, 24 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है दिल्ली पुलिस, और स्पेशल सिटी इंटेलिजेंस कहते हैं कि 308 ट्विटर हैंडल उनको हमने आइडेंटिफाई किया है जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहे थे, जिसमें लगातार भड़काने वाले ट्वीट कर रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने ये भी साफ साफ कैमरे पर कहा था कि नापाक साजिश है। 25 तारीख को कमिश्नर जब रूट का दौरा करने जाते हैं सिंघू बॉर्डर के पास, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट पर जहां मैं खुद आज तक की टीम मौजूद थी, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि हमें ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि भड़काने की साजिश हो रही है। हालांकि किसानों की मांग थी, अन्नदाता जिस तरह से बात लगातार आ रही है, इस वजह से बाकायदा उनकी बात मानी गई, जितने भी किसान नेता थे उनके साथ लगातार मीटिंग चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसके बाद शर्तों के साथ एनओसी दी गई, रूट बनाया गया, रूट मैप तय हुआ। सवाल ये है कि फिर आखिर कैसे ये प्रदर्शनकारी, जिन्हें अब उपद्रवी कहा जाए तो बिल्कुल गलत, तस्वीरें उपद्रव की आ चुकी है, वो सामने दिख रही है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, तो जवाब तो दोनों को ही देना होगा। इंटेलिजेंस के पास अगर इस तरह के लगातार इनपुट थे, उसके बाद न सिर्फ आईटीओ बल्कि लाल किले के अंदर जो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है उसके अंदर प्रदर्शनकारी कैसे घुस गए, लाल किले के ऊपर झंडा कैसे फहरा दिया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जवाब इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी देना होगा, लेकिन जवाब तो उनको भी देना होगा जो किसान नेता है, जिन्होंने 37 शर्तों के साथ एनओसी भरी, जिन्होंने इस भीड़ की जिम्मेदारी ली, जिस भीड़ को कंट्रोल किया जाना लगभग नामुमकिन है आज की स्थिति में। अब मैं आपको बताऊं, अंदर की बात ये भी है, एक बहुत सीनियर अफसर ने मुझे फोन करके ये भी बोला कि एक किसान नेता पंधेर जो सिंघू बॉर्डर पर है वो अपील करना चाहते हैं, वो अपील कर रहे हैं, फिर भी ये भीड़ उनको सुनने को तैयार नहीं है। सवाल ये है कि इनको कौन समझाएगा, कौन बुझाएगा? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ लोग वापस मुड़कर जा भी रहे, लेकिन आईटीओ मेन चौराहा जहां से इंडिया गेट महज 1 किलोमीटर है, सबसे परेशानी की बात है कि यहां पर अभी भी उपद्रवी कब्जा किए बैठे हुए हैं और यहां पर ट्रैक्टर पूरी तरह से ट्रैक्टर लेकर खड़े हुए हैं, गाड़ियां टूटी हुई हैं, डीटीसी की बसें तोड़ दी गई हैं, यहां तक कि आज तक की टीम पर हमला किया गया। तो ये तस्वीर फिलहाल सूरत हाल है। और 10 बजे से एक चीज और गौर करने वाली बात है कि 12 बजे से ट्रैक्टर मार्च का ये टाइम निर्धारित था, लेकिन 10 बजे से ही तमाम चीजों को तोड़ते हुए, तमाम नियम कानून को तोड़ते हुए जो ट्रैक्टर मार्च है वो आगे बढ़ा है। एक तरफ जो जांच एजेंसियों के पास पहले से इनपुट था उसके बावजूद भी इनको रोका नहीं गया, और हैरानी की बात है कि आईटीओ के पास जहां से महज 1 किलोमीटर दूर गणतंत्र दिवस चल रहा था समारोह, जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे, जहां राष्ट्रपति मौजूद थे, एक तरफ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था, तो वहीं से 1 किलोमीटर दूर पर झड़प चल रही थी और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे रोहित। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और साथ ही अरविंद ओझा पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी परिस्थिति वो बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि आईटीओ पर स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई हैं, नांगलोई में भी जबरदस्त तरीके से हंगामा अभी हुआ है और उसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं थोड़ी देर पहले, नांगलोई में किस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़ा, डिवाइडर्स को तोड़ा, किसान प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर्स के सहारे
और उसके अलावा आईटीओ पर अब भी बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी जमा है। लाल किले पर अतिरिक्त फोर्स को बुलाया जा रहा है ताकि वहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उनको निकालने के बाद लाल किले के गेट बंद किए जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 26 जनवरी को खास तौर पर लाल किले पर अतिरिक्त सुरक्षा पहले से मौजूद रहती है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी न सिर्फ लाल किले में घुसने में कामयाब हुए बल्कि लाल किले पर चढ़कर उन्होंने अपना झंडा तक फहरा दिया तिरंगे के समानांतर, और ये अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति किसान आंदोलन के दौरान हुई है। अब भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किसानों और पुलिस के बीच में, किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि किसान संगठनों के नेता जो अगुवाई कर रहे थे इस किसान आंदोलन की, जिन्होंने संयुक्त समिति बनाई है, वो अब इससे पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहते हुए कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि फिर ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, किन्होंने इनको बुलाया है और किसके साथ ये लोग आए हैं, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। ये नांगलोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की, जहां बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, उखाड़ फेंके गए, सीमेंटेड बैरिकेडिंग को ट्रैक्टरों से टक्करें मार मार कर तोड़ डाला गया और उसके बाद किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली के अंदर घुस आए। हालांकि वो जाना कहां चाहते हैं इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। साफ तौर पर ये किसान आंदोलन, ये किसान परेड जिसका कोई नेतृत्व नहीं, जिसका कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, जिसके कथित नेताओं ने जिन्होंने वादे किए थे उनका कोई जोर अब इन लोगों पर नहीं है और वो खुद अब इससे भागते हुए फिर रहे हैं, इससे पल्ला छुड़ाते हुए फिर रहे हैं। हालांकि गाजीपुर से जो किसान चले थे उनको वापस बुलाया गया है, काफी तादाद में ट्रैक्टर्स गाजीपुर की तरफ वापस जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लाल किले के पास आईटीओ पर नांगलोई में अब भी बड़ी तादाद में किसान प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं और हंगामे के हालात, तनावपूर्ण हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए फरीदाबाद में लाठीचार्ज हुआ है, इसके अलावा जो किसान वापस लौट रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन क्या शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर वो ऐसी दिखाना चाहते थे, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर आशंका पहले से जताई जा रही थी। शिवसेना के नेता